तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक और नए मोटो ब्लॉग में। और आज है फ्राइडे और सुबह के हो रहे हैं 11:25। हाँ 11:25 हो रहे हैं और मैं निकला हूँ छतरपुर के लिए। छतरपुर क्यों जा रहा हूँ मैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को आगे। और अभी मैंने ले लिया ऑफिस से हाफ डे ताकि मैं अपना छतरपुर वाला एक काम निपटा सकूँ। ए यार कितना लंबा लंबा ट्रैफिक मिलता है ना। ठुल्ला नहीं खड़ा, ठुल्ला नहीं है ये। चलो हाँ तो मैं कह रहा था मेरे को थोड़ा छतरपुर में काम है और मुझे पहुंचना था 11 बजे और मैं निकला हूँ 11:25। देख रहे हो आजकल जो है ना टाइम बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गया है मेरा। और पहले ऐसा था कि मैं बिल्कुल ऑन टाइम रहता था। ऑन टाइम क्या, उससे 10 मिनट पहले ही पहुँच जाता था। लेकिन अब जो है ना मतलब अब तो आधा एक घंटा लेट ही चल रहा है, पता नहीं क्यों, इसको ठीक करना पड़ेगा। और मैं जा रहा हूँ अलकनंदा होते हुए और इधर से आया मैं यहाँ पर। इतना ट्रैफिक मिल गया तारा अपार्टमेंट क्रॉस करके, बट अभी क्या है अलकनंदा में जो मेन रोड है ये थोड़ा खाली है, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा स्पीड में। और जैसा कि दिख रहा होगा हाथ बिल्कुल काले काले हो गए हैं। आज मैंने शर्ट भी नहीं पहनी ऊपर, जो मैं एक ऐसी ऊपर पहन लेता था पतली सी शर्ट ताकि थोड़ा धूप वूप ना लगे हाथ में। और मुझे लेना था एक ग्लव्स और मोबाइल होल्डर, वो अभी तक नहीं लिया मैंने। जल्दी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मैं इसको मंगाऊंगा। आज ही सोच रहा हूँ, आज ही ऑर्डर करूँगा अमेज़ॉन से। और जो अगला ब्लॉग होगा ना वो अगले ब्लॉग में वो आप लोगों को दिखेगा दोनों चीज़, ग्लव्स और मोबाइल होल्डर। फिलहाल चलते हैं छतरपुर और मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। और अभी मैंने गूगल मैप पे चेक किया लोकेशन, बाप रे 41 मिनट अभी दिखा रहा है, मतलब कि मुझे 11:30 पहुंचना था और अब मैं वहां पहुंचूंगा 12 बजे करीब। देख रहे हो कितना ज़्यादा लेट हो रहा हूं मैं, और ये गलत गलत बात है मतलब टाइम पे ना होना। जैसे मैं पहले था ना टाइम पे, वैसे ही मुझे दोबारा होना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी लोकेशन लगती है मेरे को ये जगह जी के। आज तो हाथ हो जाएंगे भाई काले, पीले तो खैर हो गए थे पहले ही एक साल पहले हो गए थे पीले काले हो जाएंगे। तो भाई मैं आ गया सावित्री सिनेमा। ये वाले सिनेमा में ना मैं और समय बहुत मूवियां देखे हैं शादी से पहले, मतलब एक दो नहीं मतलब काफी। पहुंच गया पंचशील पार्क और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक था वो भी ख़त्म हो चुका है। बड़ी तेज़ी में निकल रहा हूँ ताकि मैं ना पहुँच जाऊँ। अभी मुझे मैसेज भी करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा जाम में फंस गया हूँ तो थोड़ा और लेट हो जाऊँगा। बाकी जो है ना बाइक का जो पीछे का जो नंबर प्लेट है जिस पर लगा हुआ है वो जो माउंट है ना, ये देख रहे हो ना आप साइड में, ये देख रहे हो, हाँ ये जो है ना देखो कैसे हिल रहा है, मतलब लूज हो गया है इसका ना एक नट गिर गया है ये देखो। तो इसको जो है ना लगाना पड़ेगा और नया नंबर प्लेट जो है ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये सही होगा। आज नहीं तो कल मैं इसको ठीक करा लूँगा, टाइट वाइट करा लूँगा, नट जो इसका एक गिर गया ना वो लगवा लूँगा। नहीं तो ये ना हर मतलब एक छोटा सा जैसे कोई गड्ढा आता है ना हल्का, उस पर घट खट मतलब हिलता है और वो हिलने के बाद वो साउंड आता है उसका जो कि गंदा लगता है। यार देखो मैं जो हूँ ना हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट और ये साला ट्रैफिक भी ख़त्म नहीं हो रहा यहाँ का। और मतलब करीब 10 मिनट से मैं यहीं खड़ा हूँ एक ही जगह। चल लो यार पहले ही मीटिंग में लेट, बाप रे। और भाई इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर लो यार, अभी से 43 सब्सक्राइबर हुए हैं और मेरा एक ब्लॉग आया है सिर्फ। थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा कमेंट लाइक करो शेयर करो ताकि ये वाला चैनल जो है मेरा मोटो ब्लॉगिंग का ये थोड़ा ऊपर आ जाए। बहुत सारा सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, ऐसे ही मैं डेली तो नहीं हाँ अल्टरनेट डेज ब्लॉग लेके आता रहूँगा नए नए। और ना हम प्लान कर रहे हैं, मेरे भाई लोग हैं मैं और वो भाई और एक और भाई, हम 3-4 लोग सोच रहे हैं बाइक राइड का।
मेरे पास ये ESD है, उनके पास है ये होंडा CB 350, और एक और भाई जिनके पास है होंडा क्या है मेरे को नाम नहीं पता है, हाइनेस है शायद, हाइनेस है। तो तीन बाइक हैं जो कि हम प्लान कर रहे हैं ईद के बाद जो है ना एक छोटी सी बाइक राइड पर जाएं, लाइक नैनीताल, मतलब 250-250 किलोमीटर के रेंज में। तो वो फर्स्ट होगा जो हमारा बाइक से ऐसे रोड ट्रिप होगा, तो हम सोच रहे हैं उसको करने की। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं और मोटिवेट होके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। मैं आज तो गया हूं छतरपुर, बट यहाँ पे ना लोकेशन वही देख देख के जाना पड़ रहा है, और फ़ोन मैंने लगा दिया है, नीचे रखा है पाँव के पास, और बहुत तकलीफ़ हो रही है यार। वैसे मोबाइल होल्डर की ना अभी ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, लगा लेना चाहिए था मुझे बाइक लेने के साथ ही। और ना मैं इस जगह पे जो है ना इतनी अंदर में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इतनी अंदर में आया नहीं हूँ कभी छतरपुर, मैं बाहर से बाहर ही होके निकल गया हूँ, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आई थिंक यहीं से टर्न दिख रहा है, ये 200 मीटर से टर्न, हाँ यही बत्ती है जिससे मुझे टर्न होना है, यही है तो नीचे वो तेरी। वाह मस्त है जगह तो, ये स्टेट ऑफिस RMD, क्या जगह है भाई साहब, वाह क्या मस्त जगह है भाई, ये तो शानदार है भाई, ये तो। और यहाँ तो पेड़ पौधे फूल इतने अच्छे अच्छे लगे होते हैं ना, वो देख के और दिल खुश हो जाता है। और मेरी आवाज़ थोड़ी ना टाइट आ रही है, गला सूख गया है और आवाज़ ऐसी आ रही है, रोजे से भी हूँ और दिन के ना 12 बजे की धूप में चल रहा हूँ मैं, गर्मी भी लग रही है। 2 hours later. तो मैं निकल गया यहाँ से छतरपुर से, समर को थोड़ा जाना है आज मार्केट, थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो समर को ड्रॉप करेंगे समर के घर, फिर चलेंगे हम अपना ऑफिस। पर भाई ये सच में क्या प्यारी जगह है, मज़ा आ गया, मस्त है, बहुत सही। और इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ट्रिप पे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ईद के फर्स्ट वीक जो भी आएगा ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, उस वीक में हम लोग निकलेंगे, मैं, गोफी भाई और जीशान भाई, और शायद समर भी जाए। समर तो वैसे मना कर रही थी कि नहीं बाइक से मैं नहीं जाऊंगी, मैं थक जाती हूँ, बाकी देखते हैं, अगर समर को चलना होगा तो चलेंगे, वरना नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग निकल जाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल, समर को पिक करते हैं। और भाई मैं फंस गया जाम में, और आगे जा रही है एक जी वैगन, ग्रीन मेटालिक कलर, ये देखो भाई, ये है भाई खतरनाक, क्या लग रही है ये गाड़ी, सुपर, क्या गजब है ये, ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है, वाव नाइस, शीशे में दिख रही होगी आगे से। और अभी तो मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, मेरा समरीन ब्लॉग्स वाले चैनल का एक जो डेली ब्लॉग चल रहा है, और अभी 1:15 हो गए हैं और अभी तक कोई वीडियो एडिटिंग का स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने, और एक ये जो बना रहा हूँ इसको भी एडिट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे को, क्योंकि अब हमने 2 चैनल कर लिया, एक पे ब्लॉग्स वाला और एक पे मोटो ब्लॉग वाला जो मैं ये कर रहा हूँ अभी। अब 2 जगह वीडियो पोस्ट करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मेरा समरीन ब्लॉग्स पे तो डेली एक वीडियो डालनी होती है हमें, जो हमने अपना टारगेट सेट कर रखा है उसको अचीव करने के लिए डेली एक वीडियो पोस्ट करनी है हमें, पूरे रमज़ान की एक एक वीडियो हर दिन की डालनी है। और कल तक तो मैंने डाला था 9 का, और आज डालना है 10 का, तो अब देखते हैं चल के कैसे होगा। और डेली शाम को 6 से 7 के बीच में ब्लॉग आ जाता है हमारा, वो मेरा समरीन ब्लॉग्स पे। भाई इन भैया ने लंबा ट्रैफिक लगा रखा है पीछे तक,
यहाँ पे कैसे तार काट रहे हैं सरकारी लोग, उल्टे सीधे तार सारे काट दिए, देख रहे हो रोड पे सारे तार फैले हुए भी हैं, बहुत फालतू तार थे ये सब काट दिए मध्य मार्ग में। चल भाई ये देखो A few inches later. आ गई मोहतरमा, लाओ इसको बैग में रख लो। हाँ छींटे पड़ गए ना पीछे, हाँ मैं ले लूंगा, चलो आ जाओ इसको लटका लो तुम। हाँ हाँ ठीक है इसको लटका लो और आ जाओ। तो चलो भाई चलते हैं। मैं भी बना रहा हूँ, मर्चेंट बाइकर का है बनाओ। तो भाई हम मतलब समर को लेके निकल गया और इसमें ना पेट्रोल का साइन आ गया है, तो पेट्रोल डलवाते हैं इसमें पहले। कौन सा? मेरा तो दिल नहीं कर रहा जाने का ऑफिस, तो मैं जा रहा हूँ समर के साथ, समर के यहाँ पे रुक जाऊँगा और मेरा आज सनरीन व्लॉग्स का एक व्लॉग एडिट करूँगा जो आज डालना ही डालना है, डेज 10th 10वां आज का दिन डालना है। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा समर के घर। निकल जाएंगे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पता ही है आप लोगों को, ये रहा बगल में। इस स्कूटी को वैसे कर दो ना एक साइड। हाँ जी भाई, तो मैं निकल गया समर के घर से, तो अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा संगम विहार जाना है मुझे, काम है, तो बस निकला हूँ अभी इफ्तारी वगैरह करके। और अभी 8:42 हो रहे और यहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ जाम है, अच्छा खासा जाम होता है यहाँ पे शाम के टाइम, मतलब यहाँ से निकलना मतलब टाइम लग जाता है 10-15 मिनट, अगर आप कालिंदी जा रहे हो ओखला अंडर पास से तो 15-20 मिनट तो चाहिए, उससे कम में तो होगा ही नहीं। और मैं आ गया ऑपोजिट साइड, इस तरफ तो बिल्कुल खाली मिलेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ सोहेल के घर, थोड़ा मुझे है वहाँ पे काम, एक छोटा सा काम है, उसको करके फिर आऊँगा मैं वापस अपने घर। और समर आज रुकेंगी अपनी मम्मी के घर पे ही, पूछा था समर ने कि रुक जाओ, मैंने हाँ रुक जाओ कोई बात नहीं, तो समर आज अपने घर पे रहेंगी मम्मी के पास, और मैं संगम विहार से सीधा आ जाऊँगा अपना घर पे तुगलकाबाद। तो भाई मैंने जैसा मैंने बताया था आप लोगों को नैनीताल का प्लान जो बन रहा है हमारा ईद के बाद, तो उसके लिए मैंने डिस्कस किया था गोफी भाई जीशान भाई से, तो दोनों लोग रेडी हैं कि हाँ चलेंगे। और भाई ये मैं हो गया क्राउन प्लाजा से लेफ्ट, और यहाँ पे तो भाई ठंड लग रही है, काफ़ी अच्छी ठंड है यहाँ। साला फ़ोन चला रहा है, गाड़ी नहीं चला रहा फोन चला रहा। ऊपर चढ़ा दी, तो भाई आ गया मैं सुहेल के घर। सोहेल के घर यहीं जा रहा हूँ। कहाँ तू, कहाँ घूमने साहिल? हाँ भाई कहाँ? कौन है घर पे? कट नहीं करेंगे। कौन है घर पे? नहीं करूँगा। ठीक है।
A few inches later. मैं हो गया मेरा काम, एक जो था काम वो भी हो गया, और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा बाहर, और सोहेल आ रहा है स्कूटी से अपने, हम लगाएंगे घर पे बाइक और स्कूटी से जाएंगे फिर शाहीन बाग, इसको थोड़ी शॉपिंग करनी है, वही ईद के कपड़े वगैरह ले गए, और बाकी देखता हूँ मेरे को पसंद आएगा तो मैं भी ले लूँगा। और अभी मैं चल रहा हूँ ये हमदर्द वाले रोड पे, इस टाइम आ गया मैं ताकि, क्योंकि यहाँ अभी खाली मिलेगा रास्ता, इसलिए आ गया मैं इस रोड पे, नहीं तो मैं फिर उसी रोड से जाता जहाँ से आया हूँ शूटिंग रेंज से। और सोहेल को भी ले आया ना ताकि वो थोड़ी वीडियो वगैरह बना देगा, रील वगैरह। चलो मिलते हैं आप लोगों से सीधा बाहर। वही हमने रील बनाई और वीडियोस बनाई, ये देखो आगे, और ये सोहेल बना रहा है। बड़ी मेहनत है, बनी नहीं पा रही, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और वो अकेला है ना, स्कूटी चला भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है, तो डेंजर है वो थोड़ा। इसके बाद ऐसे ही हाँ, और चालू रख ले, मैं घुमा भी रहा हूँ इधर से ले जा रहा हूँ ऐसे, तो भी कोई नहीं बनाता रहे। हाँ यहीं से हाँ, तो भाई कर ली हमने फोटो, फोटो भी ले ली, वीडियो भी बना ली, शॉर्ट्स रील सब बना लिया। अब हम जा रहे हैं घर, बाइक लगाएंगे और फिर निकल चलेंगे सीधा मार्केट, जो कि मैंने बताया ना सोहेल को शॉपिंग करनी है। तो अभी ना 11:22 हो गए, मुझे नहीं लग रहा कि अभी दुकानें खुली होंगी। तो भाई आ गए हम लोग शाहीन बाग, इसको पता नहीं क्या लेना है, बोल भी नहीं रहा है। और ये देखो भाई अभी भी रात के करेक्ट 12 बज रहे हैं और भीड़ देखो शानदार है एकदम, है तो मज़ा ही आ जाता है। देखो भाई रौनक बात की, ये देखो भाई अलग ही रौनक है भाई यहाँ की, बहुत शानदार मज़ा आ जाता है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, कुल्लड़ वाली चाय? हाँ कुल्लड़ वाली ले ले, यहीं से ले ले, और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को भाई। ये देखो ये भाई भीड़ यहाँ की शानदार, गर्मी में भी तो चाय पी जा रही देर से, हैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता भाई, लोहे को लोहे काटता है गर्मी में।